सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपने चैनल पे मसीह परिवार चैनल पे अलग अलग पास्टर्स की वीडियो को अपलोड करते हैं। अगर आप भी अपनी वीडियोस को, अपनी मिनिस्ट्री की वीडियोस को, अपनी टेस्टिमनीज को हमारे चैनल मसीह परिवार चैनल पे अपलोड करवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9041690174। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, अलग अलग पास्टर्स की वीडियो देखना अच्छा लगता है, ब्लेसिंग अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबको जिस जीवन का अंत नहीं है, 10:10 में जब आते हैं यूहन्ना में, उसमें लिखा है मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का, फुल भरपूरी का जीवन पाओ। उसे पीछे जाते आते हैं चैप्टर 5 में 24-25 वचन में लिखा है जो मेरी बातें सुनकर इन पर जो प्रतीति करता है अनंत जीवन उसी का है, वो मृत्यु को पार करके उस जीवन में पड़ा जाता है। हम हाई जंप लगाते हैं या लॉन्ग जंप जब लगाते हैं, एक स्पेस, एक जगह है जहां हम जंप लगाते हैं, उसको पीछे जोड़ के हम आगे चले जाते हैं। और जो परमेश्वर के वचनों के ऊपर विश्वास करता है, परमेश्वर के वचनों बना रहता है, वो मृत्यु के साथ उसे ऐसा हो जाता है, मृत्यु पीछे रहते थे, वो आगे उस अनंत काल में जो परमेश्वर का जो स्वर्गीय जीवन में उसमें प्रवेश कर जाता है। जैसे प्रभु ने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो मार भी जाए तो भी जीवित रहेगा। प्रभु परमेश्वर का वचन चाहता है, कहता है हमें परमेश्वर के वचनों में बने रहना है, हमें परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में रखना। नित्य वचन उसके तीसरे अध्याय में कहा गया है, पहला वचन, दूसरा वचन, तीसरा वचन, उसमें लिखा है कि यदि मेरे पुत्र मेरी तुझ शिक्षा को मानेगा, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रखे रहेगा, मेरे जीत मेरे इसके अनुसार तो अपना जीवन व्यतीत करेगा तो तू अधिक जीवित, अधिक दिन जीवित रहेगा, तू अधिक स्वस्थ रहेगा, तू प्रभावशाली होगा। यहोशू को लिखते हुए, यहोशू को इंस्ट्रक्शन देते हुए परमेश्वर के वचन ने कहा, जब मूसा की मृत्यु होती है और उसके बाद यहोशू को आगे परमिशन दी जाती है, उसने आगे इसराइलियों को आगे लेके जाना है, परमेश्वर का वचन कहता है व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, दिन रात इसी में ध्यान रखती रहना क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली। बहुत बार प्रयोग हमारा जीवन जो है प्रभावहीन होता है, बहुत बार हमारे काम अधूरे रह जाते हैं, कहीं ना कहीं हमने परमेश्वर के वचनों के साथ समझौता किया हुआ है या परमेश्वर के वचनों को हमने इग्नोर किया हुआ है या परमेश्वर के वचनों को हम तोड़ते हैं, उसके अनुसार हम नहीं चल पाते। परमेश्वर चाहता है हम उसके वचनों को अपने हृदय में रखें, दिन रात इसके ऊपर ध्यान रखें और इन वचनों के अनुसार चलते हुए अपना जीवन व्यतीत करें ताकि प्रभु को महिमा मिले, प्रभु का नाम ऊंचे पे उठाया जाए। परमेश्वर हमारी सहायता करे आज की शाम हम जो है इन 3-4 बातों के ऊपर ध्यान रखें। पहला, हमने सहनशीलता का जीवन व्यतीत करना है। दूसरा, हमने एक दूसरे के अपराधों को माफ करना है। तीसरा, हमने प्रेम में चलना है और चौथा, हमने परमेश्वर के वचनों को अपने दिल में रखना। आखिरी बात जो मैं अभी आपसे शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि इन सब के बाद तुम परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो, प्रभु की शुक्रगुजारी करते रहो सब बातों के करने के द्वारा। मैं अभी नया नया प्रभु में आया था, 84 की बात है, जिस चर्च में जाता था उस चर्च में फिल्मी गीत गाना, फिल्में देखना बुरा माना जाता था, गलत माना जाता था। हम जितने भी जवान लड़के, हम एक अपने अंकल से जो बाइबल टीचर है उनसे बातचीत कर रहे थे, हम उनको प्रेशराइज कर रहे थे कि हमें पिक्चर देखने के लिए अलाउ किया जाए, वो हमें वचन से सिखा रहे थे, समझा रहे थे और आखिर में उन्होंने कहा ठीक है आप पिक्चर देखिए हो, लेकिन उस पिक्चर के सारे इंसिडेंट को लेकर के आप आकर के प्रभु का धन्यवाद करना। फिर उन्होंने
दूसरे तरीके से कहा, आप जो कुछ भी करो उसके उस कर्मे के बाद प्रभु का धन्यवाद दे सकोगे। बहुत बार हमारी जिंदगी में ऐसा होता है, हम बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे लोगों से बोलते हैं, कई बार हम रिएक्टेड हो जाते हैं, लेकिन उन बातों के करने के बाद हम परमेश्वर की शुक्रगुजारी नहीं कर सकते। हमारी आत्मा पर दोष होता है। कई बार आपने किसी को डांटा, कई बार आपने गलत तरीके से किसी को जवाब दिया, कई बार जो है ऐसे हालात बने आप सोचते कि ये बात अगर मैं ना करता तो शायद ये हालात जो हमारे सामने हुए हैं इससे हम बच जाते। मेरे प्रिय वचन कहता है, कर्म से या वचन से जो कुछ करो परमेश्वर के नाम से करो, इन सब के बाद प्रभु का धन्यवाद। प्रभु हम सबकी सहायता करें कि हम प्रभु के वचनों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें, अपना जीवन प्रभु को हाथों के समर्पित करें और उसकी स्तुति उसकी आराधना करें। आई दुआ करें। महान शक्तिमान हमारे दयावान परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं आज की शाम तेरे प्रिय लोगों के साथ बड़े सीधे बड़े साधारण रीति से तेरे वचनों को शेयर किया है। तेरे वचन जो कहता पिता परमेश्वर उसको हम माने, उसके अनुसार हम चले, उन वचनों में हम बने रहे और अपनी जिंदगियों से आपके नाम को ऊंचे पर उठा सके। यहाँ के सारे कन्वेंशन के प्रबंधकर्ता, एक एक कार्यकर्ता, एक एक प्रेयर को तेरे हाथ में सौंपते हैं। आज के इस पूरे समय के लिए अलग अलग जगहों से आए हुए क्वाइट्स के लिए, उनके लीडर्स के लिए आपका शुक्र करते हैं। तेरे खादमों के लिए, एवेंजलिस्ट के लिए, इंस्टीट्यूशन हेड्स के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु ये इलाका, ये प्रभु तेरे वचनों से भरे, तेरे वचनों से परिपूर्ण रहे, तेरे वचनों के अनुसार चले और अपनी जिंदगियों से तेरे नाम को ऊंचे पर उठा सके। आज की शाम आपका धन्यवाद देते हुए सारी आदर महिमा आप ही को देते और इस प्रार्थना को आपके कदमों में लाते हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन। हमारी बहुत सारी जरूरतें हैं, शारीरिक जरूरतें हैं, हमारी फाइनेंशियल जरूरतें हैं, बच्चों की, परिवार की, चर्च की, हमारे इंस्टीट्यूट की बहुत सारी जरूरतें हैं, कमियां हैं हमारी, उन सब के लिए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे। आई दुआ करें। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं, हालेलुया, तेरा शुक्र करते हैं, मास्क में कमिंग फॉर यू, प्रभु तेरा शुक्र करते हैं, हालेलुया, हालेलुया। लॉर्ड जीसस वी वर्शिप यू, प्रेज यू, लविंग एवर फादर वी ग्लोरीफाई योर नेम। परमेश्वर तुझे शक्ति पूरा मालूम है पिता परमेश्वर, तुझसे कोई भेज पा नहीं पिता परमेश्वर।